मेरा नाम घनश्याम स्वरूप है और मैं फिजिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नॉलेज दूंगा, और इसके साथ साथ वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस से का टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर से किस प्रकार से संबंधित है इसके बारे में भी कुछ नॉलेज दूंगा। एक ध्यानपूर्वक सुनिए। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस ये सारी की सारी मैटर से संबंधित क्वालिटीज हैं, गुण हैं पदार्थ के, और पदार्थ के गुणों का वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस की बेसिक डीप नॉलेज लेने के लिए हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग कहते हैं। परमाणु संरचना, किसी भी परमाणु की संरचना किस प्रकार से डिफाइन की जाती है उसके अंदर है। परमाणु के मुख्यतः दो भाग होते हैं। पहला भाग है हिंदी में लिखते हैं इसको ना देखे, इसमें बोलेंगे न्यूक्लियस। दूसरा भाग है एक्सटर्नल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट जिसको पहले बाहरी बाहरी पक्ष। किसी भी पदार्थ की चालकता या कंडक्टिविटी उसकी परमाणु संरचना पर निर्भर होती है। यदि किसी चालक के बाहरी कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई जो स्पेसिफाइड वैल्यूज हैं उससे यदि कम है तो उस चालक की चालकता अधिक होगी। इसलिए इसी प्रकार से किसी चालक की परमाणु संरचना कंप्लीट है, वो न्यूट्रल है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल है, वो न्यूट्रल है, उस पोजीशन में उसकी कंडक्टिविटी लो, और किसी चालक की या किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी भी उसकी संरचना पर निर्भर करती है। इस प्रकार से जैसे किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पर डिपेंड करता है कि उसकी वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस की क्वालिटीज किस प्रकार की है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले कक्ष के अंदर या ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए फार्मूला दिया रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने, दैट इज इक्वल टू 2m2। 2m2 के अंदर 2 कांस्टेंट है और n पहले ऑर्बिट की संख्या, तो 2 मल्टीप्लाई वन दैट इज इक्वल टू 2 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकंड से सेल्स के अंदर सेकंड ऑर्बिट्स में 2 × 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 8 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन द सेम वे थर्ड सेल्स में 3 × 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 2 × 9 18 इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सब किसी भी एटम्स के अंदर आउटर मोस्ट सेल में 8 हैं, आउटर मोस्ट है ऑर्बिट के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। इसे किसी भी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए
सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उस एटम्स की, उस मैटर्स की किस प्रकार की संरचना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार का है। यदि कॉन्फ़िगरेशन से स्टेबल है, यदि मैटर या पदार्थ स्टेबल है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या न्यूट्रलाइज है, उस पोजिशन में आपका रेजिस्टेंस से, उस मैटर का रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होगा और उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। इसी प्रकार से जब कंडक्टिविटी दूसरा फैक्टर बनता है करंट का, करंट डिपेंड करता है किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की बहने की अक्षमता, किसी पदार्थ में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का बहना ही करंट कहलाता है। तो करंट डिपेंड रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। इन द सेम वे वोल्टेज इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस फिनोमेना। यदि करंट और वोल्टेज का फिनोमेना क्लियर होने के साथ साथ ये इनसे रिलेटेड है, वोल्टेज का फिनोमेना भी रेजिस्टेंस और करंट से रिलेटेड है। यदि मैटर आपका स्टेबल है जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपकी वोल्टेज ज़्यादा चाहिएगी उसको कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ की परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उस पदार्थ की क्वालिटीज के ऊपर, उस पदार्थ की वोल्टेज करंट कैपेसिटी के ऊपर है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये बहुत ही डीप नॉलेज है, इसके बगैर यदि आपको यदि डीपली नॉलेज लेना है वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस का, कि वोल्टेज किसी पदार्थ में वोल्टेज ज़्यादा कैसे लगती है, करंट ज़्यादा कैसे फ्लो करता है, उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा कैसे है, इन सब बातों को देखते हुए इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है।